बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज जो अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं, जो विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और जब उनसे पत्रकार साथी सवाल करते हैं तो वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ ऐसे एक बार फिर उन्होंने कहा जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया। सांसद साक्षी महाराज ने रामचरितमानस को लेकर कहा कि यह घमंडिया गठबंधन का एक अंग है और घमंडिया गठबंधन में जितने घटक हैं सभी बौखला गए हैं, और सीधा उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर आघात करना प्रारंभ किया है। घमंडिया गठबंधन का एक अंग है और घमंडिया गठबंधन के सभी जितने भी घटक हैं सब बौखला गए हैं और सीधा उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर आघात करना प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि कोई खास बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से राय जाने दुश्मनी जमाना सारा, कि विरोध करने वाले समाप्त हो जाएंगे, सनातन धर्म का कुछ नहीं जुड़ेगा। वहीं जब साक्षी महाराज से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि हमने अर्पित की है, एक बार फिर अर्पित करते हैं। हिंसा में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं रखती है और जो हिंसा करने वाले लोग हैं उन्हें समुद्र पार तक नहीं छोड़ा जाएगा। जवानों के लिए श्रद्धांजलि हमने अर्पित की है, एक बार फिर अर्पित करते हैं। हिंसा में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं रखती और जो हिंसा करने वाले लोग हैं उन्हें समुद्र पार तक नहीं छोड़ा जाएगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि एक तरफ, वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि यह घमंडिया गठबंधन मेढकों की तरह है जिन्हें एक तराजू में तोला नहीं जा सकता। आप इंडिया ठगबंधन वालों से पूछो तुम्हारा नेता कौन सा है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जैसे ही प्रधानमंत्री का नाम लिया जाएगा वैसे ही ठगबंधन तार तार हो जाएगा। और घमंडिया गठबंधन के सभी जितने भी घटक हैं सब बौखला गए हैं और सीधा उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर आघात करना प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि कोई खास बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से राय जाने दुश्मनी जमाना सारा, कि विरोध करने वाले समाज। खैर, अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले साक्षी महाराज एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि उन्होंने विपक्षी गठबंधन की तुलना एक मेंढक से की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल चौहान की रिपोर्ट।